Let's start with example problem number 13/2 that is related to the helical gear. इसके अंदर जो basically हमने पीछे helical gear के formulas calculate किए हैं जिसमें हमारे पास normal pitch आ जाती है, axial pitch आ जाती है, this is the formula for the normal pitch, this is for the axial pitch and this is for the tangential pressure angle, this is for the helix angle. So ये 5 formulas को use करेंगे. कहते हैं एज अ नॉर्मल प्रेशर एंगल 20 डिग्री, हेलिक्स एंगल 25 डिग्री. हेलिक्स एंगल को साई के साथ डिनोट कर देते हैं और नॉर्मल प्रेशर एंगल को फाई एन के साथ डिनोट करते हैं. एंड अ ट्रांसवर्स डायमीटरल पिच ऑफ 16 पर इंच. अब हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटरल पिच की, दिस इज फॉर द नॉर्मल डायमीटरल पिच एंड पी टी इज फॉर द ट्रांसवर्स डायमीटरल पिच. तो पी टी हमारे पास कितना है, डेट इज इक्वल टू 16 पर इंच. एंड has 18 teeth. Number of teeth कितने हैं? N के साथ denote करते थे 18. हमने pitch diameter find out करने हैं. Transverse and normal and the axial pitches find out करनी है. Normal diameter pitch find out करनी है और transverse pressure angle find out करने हैं. अच्छा, अब सबसे पहले हम देखें, अगर हम pitch diameter की बात करें D, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, number of teeth divided by the transverse pitch. नंबर ऑफ टीथ हमारे पास कितने गिवन है, 18, और ट्रांसवर्स पिच हमारे पास कितने गिवन है, 6. तो 18 बाय 6, तो हमारे पास पिच साइकिल डायमीटर कितना आ जाता है, डेट इज इक्वल टू द 3 इंचेस. जब पिच साइकिल डायमीटर हमारे पास आ गया, तो सेकंड में हमने ट्रांसवर्स नॉर्मल और एक्सियल पिचेस फाइंड आउट करनी है. ट्रांसवर्स पिच क्या होती है, डेट इज बाय अवर ट्रांसवर्स डायमीटरल पिच. तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रांसवर्स पिच आ जाती है. तो ट्रांसवर्स डायमीटर पिच 6 है, तो यहाँ से ट्रांसवर्स पिच हमारे पास आ गई 0.532236 इंचेस. नॉर्मल पिच, अभी हमने नॉर्मल पिच का फार्मूला निकाला, पी टी डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ साई. कॉज ऑफ साई भी हमारे पास गिवन है, पी टी भी हमारे पास है, तो हमने यहाँ से पी एन फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आ जाएगा पी टी कितने हैं, 0.523 अभी हमने कैलकुलेट किया. साई हेलिक्स एंगल, कोस 25 डिग्री, तो नॉर्मल पिच हमारे पास आ गई 0.4745 इंचेस. नेक्स्ट हमने एक्सियल पिच निकाल ली है. एक्सियल पिच अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट की थी, डेट इज द ट्रांसवर्स पिच डिवाइडेड बाय 10 ऑफ साई, 10 ऑफ द हेलिक्स एंगल. तो पी टी 0.523 10 ऑफ साई हमने निकाला, तो 10 ऑफ 25 डिग्री, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.123 इंचेस. अब सी पार्ट के अंदर हमें क्या कहते हैं, नॉर्मल डायमीटर पिच. अब नॉर्मल डायमीटर पिच का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी एन इज इक्वल टू द पी टी अवर कॉज ऑफ साई. तो यहाँ से यही फार्मूला हमने पुट किया, पी टी कॉज ऑफ साई, तो कॉज ऑफ साई 25, तो ये हमारे पास आएगी 6.620 टीथ पर इंचेस. नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, डेट इज द ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, फाइव टी 10 इनवर्स 10 ऑफ नॉर्मल प्रेशर एंगल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ द हेलिक्स एंगल. तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल आ गया 21.88 डिग्री. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेलिकल गियर. वही फार्मूलाज, वही फोर्स एनालिसिस जो हमने न्यूमेरिक प्रीवियसली किया था, उसी फोर्स एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने ये फार्मूलाज को कैलकुलेट किया.